आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर दुनिया के कई देशों ने भारत को दी बधाई। पीएम मोदी ने सभी को राष्ट्राध्यक्ष का जताया आभार। बरेली में तिरंगे के साथ निकाली बुलडोजर यात्रा, अनोखे अंदाज में मनाया आजादी का जश्न। गगरेट में राजेश ठाकुर की तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, स्वतंत्रता दिवस पर किया चुनावी शंखनाद। आज जेडीयू से 11, आरजेडी से 16 मंत्री ले सकते हैं शपथ, कांग्रेस के 2 विधायक बन सकते हैं मिनिस्टर। पुलिस और पूर्व विधायक के बीच नोकझोंक के बाद हाथापाई, धरने पर प्रधान संघ के पदाधिकारी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न, सीएम योगी आदित्यनाथ ने फहराया तिरंगा। भारत की चिंताओं के बीच श्रीलंका के बंदरगाह पर उतरा चीन का जासूसी जहाज, सैटेलाइट और मिसाइल कर सकता है ट्रैक। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रफ्तार का कहर, इनोवा पर पलटा ट्रक, 4 की दर्दनाक मौत, 2 घायल। कांग्रेस का महंगाई पर हल्ला बोल, 28 अगस्त को रैली से पहले बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। एमपी धार के कारम बांध के क्षतिग्रस्त होने की जांच करेगा 4 सदस्यीय दल, बांध में हुए भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट देगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।